नमस्कार, आप लोगों को मैं घर में पड़े हुए पुराने दियों से कुछ बना के दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा। सुंदर सुंदर से DIY क्रॉप्ट, अगर आप गार्डन भी सजा सकते हैं, अपना बेडरूम भी सजा सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर से मैंने बनाए, तो आप लोग वीडियो को जब देखेंगे पूरी तभी समझ में आएगा मैं कैसे बनाए ये, ठीक है? तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पुराने दियों का यूज अपने गार्डन में करें, उनको बिल्कुल फेंकने की गलती तो मत ही करना, आपका गार्डन सुंदर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड? तो बोलने में जब गलती हो जाए तो आपकी क्या पैर चुका धन्यकार करें फ्रेंड। तो मैं पुराने दियों से कुछ बनाने वाली हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए मेरे ये हैं कुछ पुराने दिए, ऐसे अभी जो हमने ये बस जनवरी को लिया था ना, ये सारे दिए जब हमने राम जी का मंदिर का स्थापना हुई, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, तो तभी हमारे घर में काफ़ी सारे दिए आए थे फ्रेंड। तो ये दिए हैं, तो इन दियों से मैं कुछ बनाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और वीडियो बने रहिएगा कि मैं इनसे क्या बनाने वाली हूँ, कुछ क्राफ्ट जो भी मुझसे बनेगा मैं बनाऊँगी फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी सारे दिए पड़े हुए हैं बेकार में। तो आप लोग देखिए, वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। ये दिए हैं और इनको मैंने ऐसे क्ले की मदद से इसको मैंने चिपका दिया इस तरह। अब मैं वॉल पुट्टी की मदद से बनाऊंगी। तो ये तो मेरे कुछ कीड़े थे तो मैंने पेंट कर लिया था, तो नीचे के मैं मेरे सैंपल चाहिए था, नीचे का एकदम ऐसे नहीं बने होने चाहिए, सैंपल दिए चाहिए, तो ये सैंपल को मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद मैं आगे का आप लोगों को दिखाती हूँ क्या करूँगी। देख सकते हैं फ्रेंड, वायर पुट्टी की मदद से मैंने इनको इस तरह से बना दिया है। और ये देखिए, फिर मैं इनमें कलर करूंगी, फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बन के रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, इनको पास से लाओ, इनको दिखाओ, इनको बनाया हुआ है, बस हो गया, रख देखिए फ्रेंड, रख दो बाद में कर लूंगी। देख सकते फ्रेंड, इसको मैंने बना लिया है। अब मैं इनमें से कलर कर रही हूँ, कलर करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कैसा बन के तैयार हुआ है। तो ये पुराने दियों का जुगाड़ है फ्रेंड। फ्रेंड फाइनली बन करके रेडी हो गए हैं मेरे पुराने दियों से जो मैंने बनाया हुआ है क्रॉप्ट। ये देखिए, आप इनको ऐसे बना करके और गार्डन सजा सकते हैं, अपना रूम भी सजा सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पुराने दिए का कमाल है, और आप कहीं भी इनको रख सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड, और मैंने इनको आखिर बना ही लिया। ये देखिए, आप कहीं भी इनको ऐसे रख सकते हैं, सजा सकते हैं, अपना गार्डन सजा सकते हैं और अपना रूम सजा सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए, हमारे पुराने दिए हम यूज तो कर लेते हैं, जब दिवाली आती है कोई फंक्शन होता है तो यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम दियों को फेंक देते हैं, हम सोचते हैं बेकार हो गए, हमारे किसी काम के नहीं है, है ना? लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे किसी न किसी काम के हो जाएंगे, हम इनको रख लें फ्रेंड, बस काम हुआ हम झाड़ बटोर के उनको फेंक दिया कचड़े में। लेकिन जो गार्डन होते हैं, गार्डनिंग करते हैं, वो बहने कोई भी कबाड़ा कोई भी कचरा फेंकती नहीं है, उनको फेंकना आता ही नहीं है, बिल्कुल संभाल के रख लेती हैं मेरी तरह। तो देखिए, मैं ये आपसे बताया ना पहले कि ये 22 जनवरी के जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मूर्ति की, तभी हमारे घर में दिए आए थे, तो उन्हीं दियों से मैंने ये सुंदर सुंदर से क्रॉप्ट बनाए हुए हैं फ्रेंड, DIY करके। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए, पहले मैंने इनमें से इसमें हरा कलर कर दिया था फ्रेंड, तो इसके ओंठ नहीं दिख रहे थे, इसलिए फिर से येलो किया, इसलिए तो ये सही नहीं लग रहा। बाकी इनको देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एक्रेलिक कलर से कर दीजिएगा, बहुत सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड, और बहुत आसान है, एकदम आसान है इनको बनाना, कोई कठिन काम नहीं है। जो भी आप बनाना चाहें फ्रेंड तुरंत बन जाता है, बस थोड़ी टाइम लगता है, बस थोड़ी टाइम आप लोगों को देना है और सुंदर सुंदर से क्रॉप्ट आप लोगों को बना करके रेडी कर लेना है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे क्यूट से लग रहे हैं। ये मैंने जिराफ बनाया हुआ था बहुत पहले, काफ़ी दिन हो गए कुल्हड़ से, और ये भी देखिए कुल्हड़ है, प्लांट भी लगा मदर प्लांट का छोटा, और ये चिड़िया बनाई थी मैंने,
ये देख सकते हैं आप। अब मैंने इन दियों से मैंने इनको बनाया हुआ है, तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा। और ये देखिए, ये पुराना नंदवा है जो पानी रखने के लिए होता है, और ये ऊपर दिया होता है जो बड़ा सा दिया जलाने वाला। तो उनको मैंने दोनों को वाल पुट्टी की मदद से, फेविकोल की मदद से चिपका दिया है और इस तरह से इसको बना दिया। अब इसमें आप कोई प्लांट भी लगा सकते हैं या फिर कोई सजा सकते हैं। ऊपर मैंने अभी कलर नहीं किया, ऐसे ही मिट्टी डाल के कुछ ना कुछ लगाऊंगी फ्रेंड। तो देखिए, अगर हम इस तरह के DIY सुंदर सुंदर बनाते हैं तो हमारा गार्डन भी बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड। इनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं सजाने में, कोई भी प्लांट के साथ हम रख सकते हैं, कोई भी प्लांटर हो, कोई भी प्लांट हो उसके साथ हम इनको एडजस्ट कर देंगे। जैसे ये हैं तो हम इस तरह से इनको ऐसे बैठा सकते हैं, ऐसे इसको बैठा देंगे और नीचे भी बैठा सकते हैं, जहाँ भी आपकी मर्जी है आप ऐसे बैठा करके अपना गार्डन सजा सकते हैं। तो कैसे लग रहा है फ्रेंड आप लोग बताइएगा। और मेरे DIY ये सुंदर सुंदर क्राफ्ट दीपावली के बचे हुए जो दिए होते हैं बेकार, उनसे मैंने बनाया लिया है। तो आप लोगों को कैसे लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको भी बनाना है तो दो चार दियों से बन गया है, दो ऊपर दिए दो नीचे दिए, ये चार चार दियों को बन गया है फ्रेंड। दो दिए मैंने यहाँ पे चिपका दिया, दो दिए ऊपर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मुंह से कुछ बोलने वाले हैं ना। तो बाय बाय, लव यू माय गार्डन, लव यू माय फ्रेंड। आप भी बनाइएगा और अपना गार्डन घर दोनों सजाइए। तो बाय, लव यू। आप इनको प्लांटे के अपने साथ रख सकते हैं, देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं, है ना फ्रेंड। तो आप भी जरूर बनाइएगा, बहुत सुंदर लग रहे हैं।